Now we started chapter number 4, practical geometry. Question number 1, construct the following quadrilaterals. 1. A quadrilateral ABCD. AB equals to 4.5 cm, BC equals to 5.5 cm, CD equals to 4 cm, AD equals to 6 cm, AC equals to 7 cm. In second, quadrilaterals GUMP, JU equals to 3.5 cm, UM equals to 4 cm, MP equals to 5 cm, PJ equals to 4.5 cm, PU equals to 6.5 cm. In third question, a parallelogram MORE, OR equals to 6 cm, RE equals to 4.5 cm, EO equals to 7.5 cm. In four question number 4, rhombus BEST, best, BE equals to 4.5 cm, ET equals to 6 cm. Now, first a rough sketch of the quadrilaterals can be drawn as follow. See, this is our diagram. AD 6 cm, you can see this A and D 6 cm, A and B 4.5 cm, D and C 4 cm, and B and C 5.5 cm. Okay, now see. In a question number 1, angle ABC can be constructed by using the given measurements as follow. We calculated a triangle ABC. AB equals to 4.5 cm, AC equals to 7 cm, and BC equals to 5.5 cm. A is our point. So we manage arc. We mention their arc. You can see this arc. Okay. Now, see question 2. Vertex D is a 6 cm away from a vertex A. So therefore, while taking A as a center, draw an arc of radius 6 cm. हमें यहाँ पे क्या करना है, 6 cm का आर्क ड्रॉ करना है. ठीक है, तो सी द आवर एंगल इज ए और बी. वी ड्रॉ अ लाइन ए और बी 4.5 cm. नाउ वी ड्रॉ अ लाइन ए और सी 7 cm. नाउ वी ड्रॉ अ लाइन बी और सी 5.5 cm. And now we draw an arc 6 cm point of A. हमें A को point करके क्या करना है, arc बनाना है. You can see this is a point and now a mention arc. Okay. Now you can understand. Now 3. Question 3. Attacking C as a center. अब हमें C को सेंटर लेना है. ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर. हमें आर्क 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है. कटिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट D. हमें प्रीवियस आर्क को कट करना है और D को पॉइंट बनाना है. नाउ जॉइन D टू A एंड C. अब हमें क्या करना है, D और A और C को क्या करना है, जॉइन करना है. यू कैन सी दिस A एंड B 4.5 cm, AD 6 cm, DC 4 cm, AC 7 cm, BC 5.5 cm. Now we draw an arc. You can see this, our arc, this and this. पॉइंट करके आपको ऊपर बताया है कि टेकिंग अ सी सेंटर, सी को सेंटर बना के डी को आर्क बनाना है और उसके बाद ए को सेंटर, सॉरी डी को सेंटर करके हमें ए पे आर्क बनाना है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ सी
ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटरल्स, यहाँ पे जो हमें बताया है ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटरल्स है, ठीक है. नाउ सी सेकंड, अ फर्स्ट ईयर रफ स्केच ऑफ द कोऑर्डिनेटरल्स कैन बी ड्रॉ एज फॉलो. यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेटरल, एक न्यू कोऑर्डिनेटरल दिया है क्वेश्चन नंबर टू का. यहाँ पे ऑलरेडी हमें पूरा डायग्राम बताया है. नाउ यू कैन सी दिस जे यू एम पी जम्प, यू कैन नो दैट अ क्वेश्चन, ठीक है. जे यू एम पी जम्प, सी जे यू इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, पी जे इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, पी यू इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर, एंड पी एम 5 सेंटीमीटर, एम यू 4 सेंटीमीटर. तो नाउ ट्राइंगल जे यू पी कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय अ यूजिंग गिवन अ मेजर मेजरमेंट एज अ फॉलो. अब हमें मेजरमेंट बताना है किसका, ट्राइंगल जे यू पी का, ठीक है. यू कैन सी दिस पी यू 6.5 सेंटीमीटर, जे यू 3.5 सेंटीमीटर, एंड पी जे 4.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी हैड गिवन. नाउ वी पॉइंटेड पी, हम पी को पॉइंट करेंगे. पी को पॉइंट करके हमें यहाँ पे आर्क बनाना है. एंड सेकंड आर्क यू को पॉइंट करके हमें यहाँ पे आर्क बनाना है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ सी सेकंड, वर्टेक्स एम इज अ 5 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम अ वर्टेक्स पी एंड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ वर्टेक्स यू. तो टेकिंग अ पी एंड यू एज सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर टू रिस्पेक्टिवली. लेट दैट अ पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बी एम, हमें एम को पॉइंट करके यहाँ पे आर्क बनाने हैं. यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस अवर राइट डायग्राम. ओके, नाउ सी पी जे 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इज जे यू, एंड पी यू इज 6.5 सेंटीमीटर. नाउ वी कैलकुलेटेड एम, दिस इज अ 4 सेंटीमीटर. एम का हमें सेंटर में उसे 4 सेंटीमीटर में रखना है. नाउ वी ड्रॉ जे आर्क, यू कैन सी दिस. यहाँ पे हमें पॉइंट करके यहाँ पे आर्क बनाना है. ओके, एंड नाउ यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पे आर्क बनाना है. दी और इसका सेंटीमीटर ऑलरेडी हैड गिवन इन अ क्वेश्चन. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ सी थर्ड, अ जॉइन टू एम टू पी एंड यू. अब हमें क्या करना है, किसको जॉइन करना है, एम टू पी, एम से लेके पी को और यू को भी, ठीक है. तो नाउ सी पी इक्वल्स पी एंड जे 4.5 सेंटीमीटर, जे एंड यू 3.5 सेंटीमीटर, एम यू 4 सेंटीमीटर, एंड पी एम 5 सेंटीमीटर. ये हमें क्वेश्चन टू में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे आपको कैसे आर्क बनाने हैं. जो हमने सिर्फ आर्क बनाए हुए थे, यू कैन सी दिस का हमने कौन से आर्क बनाए हुए थे, मैं आपको वंस अगेन बता दूँ. ये वाला आर्क जो हमारा 4 सेंटीमीटर का है, और दिस आर्क जो हमारा 5 सेंटीमीटर का है. पी को पॉइंट करके हमने एम पे आर्क बनाया, और जे को पॉइंट करके हमने यहाँ पे आर्क बनाया जो हमारे 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का है. अंडरस्टैंड. सो नाउ इसको सिर्फ आपको क्या करना है, जॉइन करना है पी टू एम एंड यू टू एम. अंडरस्टैंड इट. नाउ सी जे यू एम पी इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटरल्स. अब यह हमारे क्या हो गया, जे यू एम पी दिज अ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटरल्स. नाउ सी थर्ड, वी नो द ऑपोजिट साइज ऑफ द पैरालोग्राम आर इक्वल इन द लेंथ एंड ऑल्सो देज आर अ पैरल ऑफ पैरल टू ईच अदर. द हैंड्स एम ई इक्वल्स टू ओ आर एंड एम ओ इक्वल्स टू ई आर. ओके, तो अ रफ स्केच ऑफ दिस अ पैरालोग्राम कैन बी अ ड्रॉ एज फॉलो. अब यहाँ पे हम रफ स्केच आपको बताने वाले हैं. यू कैन सी दिस, एम ई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एम ओ इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर,
ओ आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ई आर इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर एंड ओ ई इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. दिस इज अवर रफ स्केच. ओके, नाउ यू कैन सी दिस एंगल ट्राइंगल ई ओ आर. अब हमें ई ओ आर बताना है. यू कैन सी दिस ई ओ आर, ई से लेकर आर तक ई ओ आर हमें बताना है दिस. ओके, नाउ सी अ कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग गिवन अ मेजरमेंट एज अ फॉलो. ओ आर इज अ 6 सेंटीमीटर, ओ ई इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर एंड आर ई आर इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. यू कैन सी दिस, हमें ओ को पॉइंट करके ई पे आर्क बनाना है. नाउ सी ओ को पॉइंट करके ई पे आर्क बनाना है. अंडरस्टैंड? नाउ सी क्वेश्चन टू, थर्ड इन टू. अ वर्टेक्स एम इज अ 4.5 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम अ वर्टेक्स ओ एंड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ वर्टेक्स ई. तो देयर फॉर अ वाइल अटैकिंग ओ एंड ई एज अ सेंटर, अ ड्रो आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस रिस्पेक्टिवली. इंस्ट्रक्ट ईच अदर एट पॉइंट एम. हमें एम को पॉइंट बनाना है. नाउ सी अवर एम इज दिस साइड. एम को पॉइंट करके हमारे पास जो पूरा एंगल बना हुआ है, कौन सा एंगल? ओ ई आर वाला, जो जिसका मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर. ई आर मेजरमेंट इज 4.5 सेंटीमीटर एंड ओ आर मेजरमेंट इज 6 सेंटीमीटर. नाउ वी ड्रॉ आर. एम को पॉइंट करके हमें आर्क बनाना है. यू कैन सी दिस एम, इसको पॉइंट करके ई पर आर्क बनाना है. ई को पॉइंट करके एम पर आर्क बनाना है. अंडरस्टैंड? नाउ सी थ्री, अ जॉइन एम टू ओ ई. अब हमें किसको जॉइन करना है? एम को, ओ को और ई को जॉइन करना है. ओके, नाउ यू कैन सी दिस. ओ एम इज अ 4.5 सेंटीमीटर, एम ई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड दिस ट्राइंगल ऑल्सो गिवन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, तो मोर इज द रिक्वायर्ड पार्लेलोग्राम. ठीक है, नाउ सी फोर. वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ द सेम मेजर. रोम्बस का क्या है? सेम मेजर. द हैंस बी ई इक्वल्स टू ई एस इक्वल्स टू एस टी इक्वल्स टू टी बी. द रफ स्केच ऑफ द रोम्बस कैन बी ड्रॉ एज अ फॉलो. You can see we know that the all sides of a rhombus are of the same measure, hence BE equals to ES equals to ST equals to TB. A rough sketch of these rhombus can be a draw as a follow. You can see these all angles are a same. BE ST, BE equals to 4.5 centimeter, ES equals to 4.5 centimeter, ST equals to 4.5 centimeter. And TB means BT equals to 4.5 centimeter and ET equals to 6 centimeter. Now you can see that angle BET can be constructed by using the given measure as a follow. Now can you say that KV appointed 6 centimeter? E pointed. हम E को point बनाएंगे. एंड नाउ वी ड्रॉ इको पॉइंट करके यहाँ पे बी पे आर्क बनाना है. एंड अवर मेजरमेंट्स ऑल्सो आर गिवन 4.5 सेंटीमीटर, बी टी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर एंड ई टी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. यू कैन सी दैट. नाउ सेकंड, अ वर्टेक्स एस इज अ 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ वर्टेक्स ई तो एंड ऑल्सो फ्रॉम अ वर्टेक्स टी. देयर फॉर अ वाइल अटैकिंग ई एंड टी, तो अ सेंटर ड्रो आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस तो विच विल बी इन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट एस. इंटरसेक्टिंग इज अदर हमें देखना है. तो यू कैन से दैट अ एस, यहाँ पे तुम लोग एस देख सकते हो. एस को हमें पॉइंट करके बी पे आर्क बनाना है. ओके,
और यहाँ पे जो 4.5 सेंटीमीटर है उस पे से पॉइंट करके हमें एस पर आर्क बनाना है. अंडरस्टैंड? जो सेंटीमीटर्स हमें दिए है गिवन बिलो वो हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं. यू कैन अंडरस्टैंड? नाउ अवर एक्सरसाइज 4.1 इज फिनिश.